Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x axis and the line y equal to x and the circle. पहले तो देखो सर्कल को ट्रेस कर लो, इसके सेंटर है 0 0. इसको आप ऐसे लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये कितना बनता है 32 का स्क्वायर क्या बनता है भैया, कितने परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 4√2 का स्क्वायर, तो यानी कि ये आ जाएगा 4√2, 0. और एक ये लाइन है आपकी, ये y इज इक्वल टू x. तो देखो ये एरिया जो आप निकाल रहे हैं ये बाउंडेड बाय x एक्सिस है, तो यानी कि ओ ए बी, बेसिकली ये एरिया आपको निकालना है. रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ओ ए बी ओ. हम क्या करते हैं, मैं जब यहाँ स्ट्रिप रखता हूँ, नोटिस करना जो बात है, यहाँ तक तो ठीक है, ये जीरो से लेके, लेकिन ए पॉइंट के बाद कर्व चेंज हो जाएगा, तो इसको दो रीजन्स में बांटना पड़ेगा रीजन को. हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया एक डी, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है इसको आप ब्रेक कर देंगे, एरिया ओ ए डी ओ प्लस एरिया ए बी डी ए. क्लियर है जी? अब यहाँ स्टेप रखेंगे एक दो. अब लेकिन मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो हमारा स्टेप है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये कैसे निकालते हैं भाई, देखो जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है, और वाई किसके बराबर है, एक्स के डाल दे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 4x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया भाई, 8. ये जो स्ट्रिप है ये किस पे रखी हुई है, लाइन पे, तो इसको लिख लीजिएगा वाई एल डी एक्स. ये किस पे रखी हुई वाली स्ट्रिप, सर्कल, वाई सी डी एक्स. तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आप ऐसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन 0 to 4 वाई एल डी एक्स प्लस 4 से 4√2 वाई सी डी एक्स. ये वाई एल और वाई सी का मतलब है कि आपको वाई की वैल्यू लाइन से निकालनी है और एक सर्कल से निकालनी है, तो आ जाएगा 0 से 4. आई थिंक इंटीग्रेशन शुड आई लीव फॉर यू, कि इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे ना इसके बाद, तो वाई सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. विल यू एबल टू कंप्लीट इट, और कंप्लीट करो पूरा, चलेगा? अगर आप देखें, दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस, सेम फिगर बनेगी. सर देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसकी पहले फिगर देख लीजिए. यू हैव फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल टू रूट 3y एंड द सर्कल. इट इज 100% सेम क्वेश्चन. सर्कल के सेंटर 0 0, रेडियस क्या है 2, और ये लाइन है एक्स इक्वल टू रूट 3. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे. मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, दो रीजन में बांटेंगे हम इसको. कैसे बांटेंगे, आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक स्ट्रिप यहाँ आएगी, ठीक है, और दूसरा स्ट्रिप किस पे आएगा, सर्कल, ऐसे सर्कल पे आ जाएगा दूसरा स्ट्रिप, ठीक है जी. ये आएगा वाई सी डी एक्स और ये वाई एल डी एक्स. 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले भाई. हाँ क्या आएगा तेरे को, सेठी समझ में आ रहा है प्रोसेस अब क्या हो रहा है, हैं? देखो सबसे पहला स्टेप होगा इसमें रफ स्केच, दूसरा स्टेप होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो x इक्वल टू रूट 3y और तो x की वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा भाई यहाँ पर, 3y स्क्वायर इक्वल टू 1, y इज प्लस x इज प्लस माइनस रूट 3, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव आएंगे फर्स्ट, ठीक है. तो अब तीसरा स्टेप आप यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया.
तो एक बात ये वाई, ये वाली जो स्ट्रिप है कहाँ तक मूव करेगी? रूट थ्री तक, प्लस रूट थ्री से टू y c. समझ में आ रही है सारी बातें? आपने लिख दिया जीरो से रूट थ्री वाई एल एल इंटीग्रेशन जरूर करके देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको अंडर रूट ऑफ माइनस x स्क्वायर. ठीक है, इज दैट ओके? यही तो समझ नहीं, ये लाइन से y की वैल्यू निकालेगा, ये लाइन है ना, यहाँ से y की वैल्यू निकालेगा तो x बाय रूट थ्री नहीं आएगा, यहाँ से भी y की वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ से पूछ लिया कर, हेजिटेट मत कर बिल्कुल भी, ऐसे आएगा. ठीक है, प्लस माइनस. लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि समझ में आ गया. ये अच्छा क्वेश्चन है, द एरिया बिटवीन ये एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या है? राइट हैंडेड पैराबोला. फिगर देख लीजिएगा, इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इक्वल टू फोर है और एक लाइन है, इसने दोनों इक्वल पार्ट्स में इस एरिया को डिवाइड किया, यही ना? तो कहता है ए की वैल्यू बताओ क्या होगी. तो अगर इक्वल पार्ट्स में किया है तो यहाँ देखना जरा ध्यान से, ये वाला जो एरिया है जीरो से ए और ये ए से लेके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना? फोर. तो आप क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप सीधा सीधा ये दोनों केसेस में स्ट्रिप पैराबोला पे ही है ना, वाई पी, और यहाँ पर भी क्या आएगी? पहले लोगे जीरो से ए एज पर दिस क्वेश्चन सेम एज ए टू फोर. ठीक है, तो भाई कैसे आ जाएगा पैराबोला से वाई की वैल्यू कितनी आएगी? रूट एक्स आएगी. और ए से फोर फिर पैराबोला करोगे तो कितना आएगा? रूट एक्स. अगर देखें सर आइडेंटिटी के हिसाब से तो सर दो सामने इक्वल करा है, मुझे प्लस दिख रहा है, सॉरी. ठीक, क्या सोचा तूने? सर मैंने प्लस दिख रहा तो मुझे लगा फिर. नहीं तू सोचा मत कर. नहीं सर दिख रहा. नहीं तू सोचा मत कर. टू बाई थ्री ए से फोर. ठीक है, थ्री बाई टू का मतलब होता है एक्स रूट एक्स. ए रूट ए आ गया माइनस जीरो, यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा? फोर इंटू रूट फोर लिख सकता हूँ, ये डालूंगा. माइनस कितना आएगा बोलो? माइनस ए ये आएगा. यहाँ कितना आ जाएगा? ये फोर, ये टू आठ, ये कितना आएगा? फोर इंटू टू आ जाएगा ना. yes, और माइनस टू बाई थ्री ऑफ ए रूट ए, ये इधर आके ऐड हो जाएगा. yes, कितना हो जाएगा? फोर बाई, इधर कितना आ गया भाई ये? सिक्सटीन बाई थ्री. अरे रुक जाना, कितना? सिक्सटीन बाई थ्री, थ्री से थ्री कट गया, ये कितने पे गया? फोर पे. दिस विल इम्प्लाई ए इज इक्वल टू फोर. अब इसको सोल्व करेंगे तो अगर मैं स्क्वेयरिंग कर लूँ तो कितना आएगा? ए रूट ए हमारा कितना आ रहा? फोर आ रहा ना. ए क्यूब इक्वल टू सिक्सटीन, तो ए कितना आ जाएगा? क्यूब रूट सिक्सटीन. कितना आता है बोलो? टू रूट टू. टू रूट टू आगे वैल्यू क्लियर है जी? yes, ये क्वेश्चन देखिए क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड एक्स. ये है अपवर्ड पैराबोला, फिगर देख लीजिएगा आराम से. बन गया, और y इक्वल टू मोड एक्स वी शेप कर्व बनता है.
एक बात ध्यान रखना, मोड एक सिमेट्रिकल कर्व होता है, तो मुझे ये एरिया निकालना जो मैं अब शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे मोड क्या आएगा, वाई इक्वल टू एक्स, और यहाँ क्या आएगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल के इसका डबल कर देंगे, ओ ए बी। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिएंगे सर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टू टाइम्स ऑफ एरिया क्या कर देंगे, ओ ए बी ओ, क्लोज करेंगे। देखिए छोटे वाला एरिया कैसे निकलेगा, अब आराम से देख लेना स्ट्रिप सिस्टम क्या है। शोरे ध्यान से देख लेना, नींद के झपके और मार, नींद मुझे बहुत अच्छी आ सकती है। ये ऊपर स्ट्रिप किस पे रखी हुई है, लाइन के एरिया में से पैराबोला का माइनस होगा। ये आप यहाँ लिखोगे वाई एल डी एक्स, ठीक है। और इधर ये जो स्ट्रिप बनेगी, ये स्ट्रिप किस पे रखी है भाई, वैसे क्या वाई पी सरदार क्या चाहता है, तो रिक्वायर्ड एरिया टू टाइम्स क्या करूँगा भाई मैं, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए। चलो वो भी आएगा, हम ऐसे ले लेंगे वॉट एवर विद लिमिट, किससे माइनस होगा, वाई एल डी एक्स से वाई पी फॉर लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे निकलेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स ले लो और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दोनों वाई की जगह डाल दो, काटना नहीं है। तो यहां से या तो x जीरो आएगा या वन, x जीरो है तो y जीरो है, अगर x वन है तो y वन, तो ये जीरो कोमा जीरो और one. तो अब आपका रिक्वायर्ड एरिया यहां से आ जाएगा टू टाइम्स कहां से कहां, जीरो से वन। तो लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स और माइनस जीरो टू वन, पैराबोला से y की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके ये तो मैंने गलती से लिख दिया, ये तो यार ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, जरा मैं जो चाह रहा था पहले तो चलो टेंजेंट वाला करा दूं, फिर वो उसको जरा इसको करेक्ट करो। देखो यार ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में नथिंग इज देयर। ये कहता है एक सर्कल पहले ड्रॉ करो, कर ले, सर्कल के सेंटर क्या है, जीरो जीरो, और रेडियस क्या है भाई, टू कोमा जीरो और माइनस टू कोमा। एक बात है, ये पॉइंट वन कोमा रूट थ्री सर्कल पे कहीं, इस पॉइंट पे इसने टेंजेंट खींच दी ऐसे, आगे बढ़ी होगी कहीं ना कहीं, टेंजेंट गई होगी ना, ये क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और अब इस पे नॉर्मल भी खींचा होगा ऐसे, इसे ये ट्रायंगल बन गई ओ ए बी, इसका एरिया निकालना। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, अगर देखा जाए तो मुझे पहले एक काम करो ना, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे निकलेगा देखो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो टू एक्स प्लस टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस एक्स बाई वाई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एम कितना आएगा, किस पॉइंट पे निकलेगा, वन कोमा रूट थ्री डालो, कितना है माइनस वन बाई रूट थ्री, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, क्या ये बताओ जरा, एक्स वाई माइनस वाई वन, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट थ्री वाई माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस वन, तो कितना आएगा, एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू फोर आ गया, यानी कि इस टेंजेंट की जो इक्वेशन आई वो कितनी आई, लिखो यहाँ पे भाई, एक्स प्लस रूट थ्री वाई आ गया। मुझे एक पेज दिया अलग चाहिए अलग से, और दोनों फिगर साथ साथ चाहिए पेपर पे कराने के लिए ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा आप ही बताओ जरा, इतना लंबा है तो क्यों बोलता है, रूट थ्री आ गया ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आ जाएगी,
इक्वेशन हम नॉर्मल कैसे निकलेंगे, y माइनस रूट थ्री, रूट थ्री इंटू तो y माइनस रूट थ्री, रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री, तो y इक्वल टू कितना आ गया, तो ये कितना है y इक्वल टू। अब आपके सामने मैं निकाल देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, निकाल दे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। मैं एक स्ट्रिप यहाँ रखूंगा, ये स्ट्रिप किस पे रखी आप ही बताओ। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा, बी का कैसे निकलेगा, किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, अरे यार एक्स एक्सिस के साथ कर रहा, वाई को जीरो डालोगे, फोर कोमा जीरो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप है आप सबसे पहले ये देखिएगा कैसे आएगा, ये स्ट्रिप कहां से का मूव करेगी, जीरो से वन, और यहां से वाई की वैल्यू रूट थ्री एक्स डी एक्स, प्लस दूसरी स्ट्रिप इस रीजन के बाद यहां बनेगी वन से लेके फोर तक, और यहां से वाई की वैल्यू निकालो कितना आएगा, फोर माइनस एक्स बाय थ्री डी एक्स, दैट्स इट। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन में बनते हैं बस, क्यों यार ये क्या था, स्टार्टिंग जनरेट नॉर्मल का पार्ट है ये, होगी सही लिखा है एक बार वो खोलो मुझे, मैं जो कराना चाह रहा हूँ तो सही और गलत का फैसला मत करो, फैसला मुझे टेंथ क्वेश्चन कराना था, वेयर इज टेंथ क्वेश्चन शीट, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 4x, sorry x square equal to 4y, मैं उल्टा लिख पा रहा हूँ, हमें नीचे वाला नोट हो जा रहा है, एंड द लाइन, ये बहुत बार आ चुका बोर्ड में, x equal to 4y minus 2, आराम से देख लीजिएगा प्लीज, पहले फिगर, ये क्या है अपवर्ड पैराबोला, बना दिया अपवर्ड पैराबोला, यस सर। दूसरा लाइन, लाइन कैसे बनाते थे, टेबल कैसे, एक्स और वाई, एक्स को क्या डाल दो जीरो, वाई कितना आ जाएगा माइनस टू, सॉरी वाई को जीरो माइनस टू, माइनस टू ठीक है। अब आराम से देखना, अरे रुक जा, मैं मुझे पता है 0.1/2 ठीक है, अरे उसका कोई रोल भी नहीं आएगा इस पॉइंट का, मेरा रिक्वायर्ड एरिया पहले मुझे वो लिख लेंगे, ए बी सी डी ओ, रिक्वायर्ड एरिया है ए बी सी डी ओ ई ए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये एरिया निकालने, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करूंगा और एक यहां से, इस पूरे बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला माइनस कर देंगे पहले, लेकिन मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, वो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आराम से देख लीजिएगा, y आ गया एक्स स्क्वायर बाई फोर, और x किसके बराबर है, फोर वाई माइनस टू, यहाँ से एक काम करो ना, x प्लस टू बाई फोर इज इक्वल टू y, y की वैल्यू इधर डाल दे, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई इसकी, क्या आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए, यही आएगा x कितना आएगा टू या माइनस वन, तो यहाँ आएगा माइनस वन, अगर माइनस वन है तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, दोनों निकालना हमेशा, कितना आएगा वन बाय फोर, कैसे पता पड़ा, यहाँ डाल दो ओके, x इधर आएगा टू तो y कितना आएगा वन, आ गया yes, अब जरा स्ट्रिप सिस्टम देख लेना मैं कैसे करूँगा, ये वाली स्ट्रिप किसके ऊपर है, लाइन, ये वाली स्ट्रिप किसके ऊपर है, पैराबोला,
तो क्या करेंगे, किस में से कौन सी माइनस होगी? सिटी शर्माना मत, ये लास्ट मोमेंट, इसमें बेशर्म होकर पढ़ने देना, पहले बता रहा हूँ। तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, कहाँ से कहाँ लिमिट बताओ जरा, कि पूरी स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक घुमाऊंगा तभी तो बनेगी बात। माइनस वन से पहले किस में क्या लिखोगे लाइन का? माइनस वन से टू पैराबोला, जो कि हमारे पास आ जाएगा माइनस वन से टू। लाइन से बाई की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस टू बाय फोर, याद है? पक्का समझ में आई बात? माइनस वन से टू पैराबोला एक्स स्क्वायर बाय फोर डी एक्स। कर पाओगे इसको? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर।